Further talking about privacy and confidentiality, we need to see the importance of disclosure behavior. The disclosures are very important because psychologists may disclose confidential information with appropriate consent of organizational client, the individual client, patient, or any other legally authorized person on behalf of the client, patient, unless prohibited by the law. so until and unless the law prohibit them, they could disclose certain informations. This is very much important to look, especially in current scenario where we see that psychopathological behaviors are uh, getting uh, increase in number day by day. हम बहुत सारे ऐसे uh, therapeutic centres देखते हैं, जहाँ पर multiple लोग counselling and guidance के लिए आते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, जिनको assess करने के बाद ये decide किया जाता है कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं मे बी दे कैन बी दे कैन कॉज पोटेंशियल वॉयलेंस टू अदर पीपल दे कैन प्रॉब्ली कॉज हार्म टू अदर पीपल और ये अब्यूज़ कर सकते हैं लोगों को क्योंकि उनके अंदर इस तरह के साइकोलॉजिकल uh, ट्रेड्स जो हैं वो एविडेंट होते हैं उनके वर्बैटम से उनके एक्शन से उनके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर से ऐसी सिचुएशन में जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती है तो उन सेंटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो इस चीज़ का डिस्क्लोजर जो है वो फैमिली को करें रेलिवेंट लोगों को करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को करें ताकि उन लोगों को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए एक इंडिविजुअल एक थेरेपी के सेशन में आता है और वो रिपीटडली ये बात करता है कि उसको ये थॉट्स आ रही हैं कि उसने किसी बिल्डिंग को आग लगा दें अब उसकी ये जो थॉट है ये रिपीटडली कहना तो बहुत बड़ी बात है अगर वो एक दफ़ा भी अपनी इस थॉट का जो है वो जिक्र करता है या वो कहता है कि उसको सुसाइडल थाट्स आ रही हैं या वो ये सोच रहा है कि वो अपने घर में से किसी चीज़ को स्टील करके उसको सेल कर इस तरह की कोई भी अगर थाट्स आ रही हैं तो एट दैट स्टेज डिस्क्लोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप उस स्टेज के ऊपर डिस्क्लोजर नहीं करेंगे तो मे बी वो इंडिविजुअल किसी को हार्म कर सकता है किसी को का मर्डर कर सकता है किसी जगह को नुकसान पहुंचा सकता है स्टेट के लिए ख़तरा बन सकता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिस्क्लोजर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो यू नो यू सी स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कितना सेंसिटिव प्रोफेशन और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन करना लॉस को समझना ए के कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई करना और उसके सारी नटिग्रिटीज uh, को समझना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नो साइकोलॉजिस्ट डिस्कलोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल ओनली एज मेटेड बाई द लॉ वे आर परमिटेड बाय द लॉ फॉर अ वैलिड पर्पस यानी जहाँ पे वैलिड पर्पस है वहाँ उस इंडिविजुअल को बताए बगैर भी आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं प्रोवाइडेड नीडेड प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ऑपटेन अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल कंसल्ट जहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई खतरा हो सकता है और आपने उसको कंसल्टे के बाद ये डिसाइड किया कि यस इसका यही डायग्नोसिस हो रहा है कि ही कैन डू दिस काइंड एक्ट या उसका इम्पल्स कंट्रोल बहुत सवियर है और उसको हमें मैनेज करने के लिए ज़रूरत होगी कि किसी न किसी तरह की हम हेल्प ले सकें एक्सटर्नल तो वहाँ पर ये डिस्क्लोज़र करना वेरी मच इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड पेशेंट साइकोलॉजिस्ट और अदर्स एंड एनी काइंड ऑफ हार्म हो सकता है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है इकनॉमिकल हो सकता है फिजिकल हो सकता है Uh, अगर उसके जहन में यही है कि मैं किसी की सोशल रिप्यूट को डैमेज कर दूंगा इवन देन दिस इज़ अचुएशन विच इज कॉजिंग होम ऑप्टेन पेमेंट्स फॉर सर्विसेज फ्रॉम अ क्लाइंट एंड पेशेंट इन विच इंस्टेंस डिस्कलोजर इज लिमिटेड टू द मिनिमम दैट इज़ नेसेसरी टू अचीव द पर्पज अब अगर आप ऑन पेमेंट किसी के साथ काम कर रहे हैं उसकी थेरेपी उसकी ट्रीटमेंट उसकी आपने असेसमेंट कर रहे हैं और उसमें इस तरह के कोई ट्रेड्स आ जाते हैं तो जितनी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उतनी आपने रिवील करनी है ये नहीं कि आप उसकी सारी बैकग्राउंड जो है वो आप पब्लिक कर देंगे राइट right? ये नहीं कि आप बताएंगे कि इससे पहले वो कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें कर चुका है और उसकी हिस्ट्री और उसका पास क्या रहा है लेकिन जो उस वक्त करंट सनैरियो है उसका उतना डिस्क्लोजर जो है वो रेलीवेंट और इम्पोर्टेंट होगा देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कंसल्टेशन वेन कंसल्टिंग विद कोलीग्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कार्ट बी डिस्क्लोज

बट मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसी वर्किंग uh, वमेन जो प्रोफेशनली बहुत रिकगनाइज और रिप्यूटेड हैं वो एक लेट्स से कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में काम करती हैं और वो वाद ऐसी खातून हैं जो कि अब तक प्रोफेसर uh, बन चुकी हैं तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट वुमेन इंजीनियर प्रोफेसर इन पाकिस्तान उसके लिए मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं होगी सिमिलरली अगर मैं इसी तरह कोई और प्रोफेशन uh, जिसमें कोई प्रोमिनेंट इंडिविजुअल है या जिसकी कोई प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो उनका नाम लिए बगैर उनकी बात करूं तो एनी वन को जज कि मैं किस फैमिली की या किस नोबल पर्सन की बात कर रही हूं तो ऐसी सिचुएशन में लोगों की आइडेंटिटी को रिवील uh, करने के लिए इस तरह के प्रोब्स uh, या कमेंट्स देने से अवॉइड करना चाहिए जिससे जी जनरल पब्लिक जो है वो उस इंडिविजुअल तक पहुँच सके ओनली इंफॉर्मेशन द पर्पज़ ऑफ कंसल्टेशन कैन बी डिस्कलोज एज़ आई जस्ट मैंशन द न्यूज़ ऑफ़

एनी वन कूड असेस कि आप किसकी बात करें देन दे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू डिस्काइ पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गेनाइजेशन की सेनेटी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सेनेटी का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंसेंटेड इन राइटिंग अनटिल एंड अनलेस दर पर्टिकुलर पर्सन और दर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंसेंटेड कि आप हमारा नाम लिख सकते हैं एंड इन वेरी रेयर केसेज इट हैपन्स

कि कहीं हम गलती से कोई ऐसा काम या कोई ऐसा एक्ट जो है उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए जिसके बाद उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसिस को देखना पड़े सो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करना कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना उसके लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना और जनरलाइजेबिलिटी में उसके लेवल्स और लिमिट्स को देखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स